कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःकाले सिनासाय गोविंदाय नमो नमः। पुनर्वंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपा जी ने राजा जनमेजय से कहा, राजन अब मैं तुम्हारे सामने भगवान विष्णु की अवतारों की कथाएं सुनाऊंगा। भगवान विष्णु अपने दिव्य शरीर के द्वारा अलौकिक अवतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही देवलोक का मोह त्याग करके पृथ्वी पर वासुदेव के यहाँ अवतरित हुए थे। हे राजन, जो सबके लिए हितकारी और मंगलकारी होते हैं, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों की आत्माएं, देवताओं व मनुष्यों की भलाई के लिए दुष्टों के दलन हेतु बार बार भगवान अवतरित होते हैं। भगवान का जो रूप है देवलोक में निवास करके सदा तप में लीन रहता है, वो सात्विक है। जो रूप पृथ्वी पर अवतरित होता है वो तात्विक कहलाता है। जो मोती सृष्टि के श्रृंगार के लिए योग निद्रा के आश्रित रहती है वो तामसी मोती कहलाती है। योग निद्रा रूपी आश्रय में भगवान 1000 वर्ष तक शयन करने के पश्चात पुनः सृष्टि के निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उस समय पर ब्रह्मा सभी लोकपाल सूर्य चंद्र अग्नि कपिल मुनि सप्तऋषि त्रंब वायु चारों समुद्र सनत कुमार प्रजापालक मनु भगवान से पैदा होते हैं। पुराण पुरुष ग्राम नगर आदि की रचना करते हैं। 1000 युग बीतने पर फिर वो सृष्टि भगवान के देह में पूर्ण विलीन हो जाती है। 1000 युग भगवान विष्णु के जैसी प्राणियों की 1 वर्ष होती है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। देवताओं के 1 वर्ष में ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 4000 युग व्यतीत हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 4000 युग बीतने पर तब भगवान नारायण का 1 दिन होता है। भगवान श्री नारायण ने सर्वप्रथम मधुकेतव का नाश किया था। एक बार भगवान विष्णु खीर समुद्र में योग निद्रा में लीन थे, तभी उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस नाभि कमल से ब्रह्मा देवताओं और ऋषियों की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से विष्णु भगवान को पुष्करावतार भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने एक बार बारे का भी रूप धारण किया। वनों पर्वतों आज से युक्त पृथ्वी जो समुद्र में डूबी हुई थी उसे अपने दांतों से निकाला। तब बारे भगवान ने चारों वेद उनके यदुद्रप यज्ञ चित मुख अग्नि इन सब का समाधान किया। धर्म सत्य इन सब की स्थापना करी। भगवान विष्णु ने 12 रूप में लोक कल्याण के लिए अवतार लिया था। सतयुग में भगवान ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के नाश के लिए भी अवतार लिया। एक बार हिरण्यकश्यप ने केवल जलपान करके 11000 वर्षों तक कठिन तपस्या करी। इसके सम दम आदि गुण ब्रह्मचर्य व्रत तप कर्म धारण करके करी। फिर आदित्य वसु साध्य मरुत रुद्र यक्ष राक्षस अप्सरा किन्नर दृक उद्रिक नदी समुद्र नक्षत्र मऊट खेचर माघ देवसी सप्तऋषि राजसी इन गंधर्वों के साथ देदीप्यमान ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और बोले के शेष वरदारी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, इच्छित वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे पिता, में मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि देवता राक्षस मनुष्य पिशाच गंधर्व असुर यक्ष कोई भी मेरा वध नहीं कर सके।
तपोवल से युक्त ऋषि भी मुझे श्राप ना दे सके। शास्त्रास पर्वत वृक्ष शुष्क किसी से भी मृत्यु ना हो। जो व्यक्ति केवल एक थप्पड़ में मारकर ही सौ वृत्त सेना वाहिनी से सेट ऐसे व्यक्ति के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। चंद्रवायु अग्नि जल आकाश इंद्र वरुण यम कुबेर दिग्पाल सभी मेरे पराधीन हो जाएं। हिरण्यकश्यप को ए मस्तु कहके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्रार सभी देवता ऋषि मुनि गण सभी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनका अभिवादन करके कहे, पिता में आपने उस दैत्य को वरदान दे दिया है, अब वो दैत्य हम सबको नष्ट कर डालेगा। अब कृपा करके हम सबके कल्याण हेतु संसार की रक्षा के लिए उपाय बताइए। ब्रह्मा जी सबको आश्वस्त करके बोले, उसकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप उसकी मनोकामना पूरी तो करनी थी। उसकी मनोकामनाएं पूरी होते ही भगवान विष्णु उसका वध कर डालेंगे। ब्रह्मा जी से इस प्रकार आश्वासन प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक सभी अपने अपने घर को चले गए। ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप गर्भ में चूर चूर हो गया। सभी ऋषि मुनि देवताओं को सताने लगा। यज्ञ भाग से देवताओं को हटाकर दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बना दिया। ये देख करके सभी देवतागण विष्णु भगवान की शरण में जाकर हिरण्यकश्यप के कर्मों का वर्णन करने लगे, उनके श्रृंगार के लिए प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान ने शीघ्र हिरण्यकश्यप को मारने का वचन देकर आश्वस्त किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने स्वयं ही आधा भाग में मनुष्य आधा भाग में सिंह का शरीर धारण करके प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप की सभा में प्रकट हुए। एक से एक भयंकर राक्षसों को सामने देखते ही भगवान ने एक एक थप्पड़ मार करके सभी को मार डाला। उसके बाद में हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु ने युद्ध में मार डाला। सभी देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए खुशी के बाजे बजाने लगे। इस तरह से भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। अगला अवतार भगवान का बावन अवतार हुआ। हे राजन, राजा बलि के कारण भगवान विष्णु ने बावन रूप धारण करके अपने पैरों से तीन पग में सारी पृथ्वी को ब्रह्मांड को नापकर सभी दैत्यों और राक्षसों में भय उत्पन्न कर दिया। वह दैत्य विभिन्न प्रकार के वेशभूषा वाले नाना प्रकार के गंधा धारण किए हुए थे। प्रबल उत्साह से संपन्न थे। सभी दैत्यों ने बामन भगवान के आते ही उन्हें घेर लिया। तभी बामन भगवान ने अति भयंकर विशाल रूप धारण करके सभी दैत्यों को धराशायी कर दिया और संपूर्ण पृथ्वी राजा बलि से लेकर के इंद्र को त्रिलोक का राज्य सौंप दिया और राजा बलि को रसातल का राज्य दे दिया। अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। भगवान ने अगला अवतार दत्तात्रेय अवतार लिया। हे राजन, जब वेद वेदोक्त कर्मों का लोप हो गया था, चारों वर्णों के मनुष्य विचार संकीर्ण हो गए थे, अधर्म का बोलबाला हो गया था, सत्य का कोई प्रभाव नहीं रहा, तभी भगवान दत्तात्रेय ने अवतार ग्रहण करके पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म यज्ञ अनुष्ठान विचार विस्तार चारों आश्रम को व्यवस्थित कर दिया। कीर्तिवीर को दत्तात्रेय ने यह वरदान दिया था कि समय समय पर तुम्हारे दोनों हाथ सैकड़ों हाथों में हो जाएंगे, तुम सारी पृथ्वी का पालन करते हुए धर्म के ज्ञाता होंगे। ऐसा वरदान दत्तात्रेय भगवान ने ही सहस्त्रार्जुन जुन कीर्तिवीर को दिया था। भगवान विष्णु ने ही परशुराम अवतार लेकर के फिर उस सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर का नाश किया। उन्होंने रथारूढ़ कीर्तिवीर को पृथ्वी पर गिरा दिया और उसके सिर को काट डाला। कीर्तिवीर भयंकर गर्जना के साथ चीत्कार करने लगा। परशुराम जी ने उसकी असंख्य भुजाएं काट करके उसके साथियों के सहित मार डाला था। फिर परशुराम जी ने जो उपद्रवी क्षत्रिय थे, जो क्षत्रियों का रूप धारण करके राक्षसों जैसे कर्म कर रहे थे, उनका नाश किया। उनका नाश करके धर्म की स्थापना करी और अश्विनी यज्ञ करके
उन्होंने पृथ्वी संपूर्ण ऋषि मुनियों को दान कर दी। भगवान का अपना अगला अवतार त्रेता युग में श्री राम अवतार हुआ था। भगवान ने राजा दशरथ के घर में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत चार भाइयों का रूप धारण करके अवतार लिया। अपने भाइयों के सहित 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। श्री राम के चित्र की कथा जन्म विवाह वनवास आदि असंख्य राक्षसों को संगाने की लीला रामायण में विस्तार से बताई गई है। आगे चल के भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करके साल्व मेंड डेविड कंस अरिष्ट तुषम केसी पूतना नाग कुबलिया पीर चारुण मुष्टक आदि अनेक मनुष्य रूपधारी दैत्यों का नाश किया। बाणासुर यवनराज नरकासुर दुष्ट राक्षसों राजाओं का संहार किया। फिर भगवान ने 28वें द्वापर युग में भगवान का अवतार वेद व्यास के रूप में हुआ, जो सत्यवती के गर्भ से हुआ, जिन्होंने वेद के चार हिस्से कर दिए और 18 पुराणों की रचना करी। भगवान विष्णु ने अगला अवतार जो कलयुग में धारण करेंगे, जो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर संबल ग्राम में, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से भगवान का अवतार होगा। यज्ञवल्लभ के साथ क्षणक बाद ही बुद्धों को पहले शास्त्रार्थ से पराजित करके फिर शस्त्र से पराजित करेंगे। तत्पश्चात गंगा यमुना के मध्य देश में स्थित होकर अपने शेष कार्यों को संपन्न करेंगे। इस प्रकार से कलयुग समाप्ति होगा। तभी राजा मंत्री सैनिक प्रजा इतने भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएंगे, आपस में लड़ कट करके समाप्त हो जाएंगे। इस तरह पीड़ित प्रजा कलयुग के साथ समाप्त हो जाएगी। फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। इस युग में जो बचे रहेंगे वो स्वभाव से शांति प्रिय और लोकप्रिय होंगे। इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चलता रहेगा। इस तरह से बार बार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। सृष्टि का भगवान बार बार अवतार ग्रहण करते हैं और अवतार लेकर के दुष्ट राक्षसों का वध करते हैं और दुष्ट राक्षसों का वध करके धर्म की रक्षा करते हैं। एक बार संसार में घोर अंधकार छा गया था, जिससे सूर्य चंद्रमा सभी ग्रह लुप्त हो गए थे। जगमगात बादलों की भयंकर गर्जना होने लगी थी। उस समय वज्रपात हो रहे थे। उस समय ऐसे त्रस्त वातावरण में भगवान विष्णु रथ पर सवार, जिस पर गरुण पक्षी से युक्त ध्वज था, दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्हें देख करके देवतागण आकाश में प्रभु की जय जयकार करने लगे। वैशंपा जी कहते हैं कि इस तरह से देवता और राक्षसों का उस समय भयंकर युद्ध हो रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करी थी। देवताओं को राक्षसों ने मार मार के धराई कर दिया था। तो उस समय पर भगवान ने प्रकट होकर के राक्षसों का वध किया। इस तरह से भगवान श्री हरि ने काल नेम राक्षस का भी वध किया और अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं। विष्णु भगवान ने देवताओं को वरदान भी प्रदान किया। भगवान विष्णु के दिव्य रूपों को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति करी और स्तुति करके भगवान की प्रार्थना करी। भगवान इस तरह से हर युग में अवतार ग्रहण करते हैं। तभी तो कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि का चित्र अनंत है, भगवान श्री हरि की कथा भी अनंत है। जो भी भक्त सिद्धा के साथ श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान के लोक की प्राप्ति होती है और सभी में प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।